इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में एक 5-स्टार होटल का सिक्योरिटी मैनेजर होटल की ही एक स्टाफ से छेड़खानी करता हुआ कैमरे में कैद हो गया है। इन तस्वीरों को देखिए आप। इस मैनेजर का नाम पवन दहिया था। पीड़ित महिला के मुताबिक पिछले कई महीनों से पवन उसे परेशान कर रहा था। 29 जुलाई को अपने बर्थडे के दिन पवन ने उसे कमरे में बुलाया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला के मुताबिक उसने होटल एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन मैनेजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे पीड़ित महिला को ही नौकरी से निकाल दिया गया। होटल के उस कर्मचारी को भी हटा दिया गया जिससे सीसीटीवी फुटेज पीड़ित महिला को दिया था, और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपके सामने रख रहे हैं। कैमरे में कैद होटल का शैतान मैनेजर, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से महिला के साथ जोर जबरदस्ती और छेड़खानी करता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में एक 5-स्टार होटल का ये सिक्योरिटी मैनेजर है, जो कि होटल की ही एक स्टाफ से, महिला स्टाफ से छेड़खानी कर रहा है। और जब इसकी शिकायत महिला ने होटल मैनेजमेंट से की, तो इस सिक्योरिटी मैनेजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस महिला को निकाल दिया गया और साथ ही उस कर्मचारी को भी निकाल दिया गया जिसने ये सीसीटीवी फुटेज दिया था इस महिला को। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से ये जो शख्स, जो कि सिक्योरिटी मैनेजर बताया जा रहा है होटल का, एक स्टाफ के साथ, एक महिला स्टाफ मेंबर के साथ छेड़खानी करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में एक 5-स्टार होटल की ये घटना है। इस मैनेजर का नाम पवन दहिया है और पीड़ित महिला के मुताबिक कई महीनों से ये शख्स उसे परेशान कर रहा था। ये वीडियो आपको बता दें, महिला के मुताबिक 29 जुलाई का है, जब अपने बर्थडे के दिन पवन ने इस महिला को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये उसी कमरे की सीसीटीवी फुटेज है। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, इस मामले में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, फिलहाल बात की जाए तो पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। उनका कहना है कि पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्द इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकती है। पर जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसने कहीं ना कहीं कई सवाल जो खड़े कर दिए हैं, क्योंकि महिला का स्टाफ कहना है कि 5-सितारा होटल के अंदर वो काम करती थी और वहां पर उसके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई, उसकी साड़ी खींचने की कोशिश की गई। तो साफ है कि कहीं ना कहीं आरोप गंभीर है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता विवेक शर्मा बताते हुए कि अब जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस महिला को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और ये सीसीटीवी फुटेज जिस कर्मचारी ने इस महिला तक पहुंचाया था एक सबूत के तौर पर, उस कर्मचारी को भी होटल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब देखना यह होगा कि ये सिक्योरिटी मैनेजर, जो अपनी ही स्टाफ मेंबर के साथ छेड़खानी करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।